और मुश्किल से मुश्किल एक सिगरेट जलाते हैं, इतना टाइम में मैं ठीक हो गया। मेरी वाइफ को 100% कोविड हो गया था। सभी लोगों ने बोल दिया था कि मतलब उम्मीद नहीं है। मतलब 2 से 3 बारियां आया और मेरी लड़की आज बिल्कुल स्वस्थ है और इसको आज पेयर लगाने के लिए लाया। इस दर से कोई मायूस नहीं जाएगा, इस दर से मायूस नहीं कोई आएगा। यहाँ जो भक्त आ रहे हैं एक सिगरेट के माध्यम से उनका पूरा काम हो रहा है। 1.4 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखा। उसके बाद धीरे धीरे जो लोग आने लगे, कोई बॉम्बे से आ रहा, दिल्ली से आ रहा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पर अपनों का दुख ना देखा जाए। कोशिश नवा के आज भवानी मात मना के, एक लिंग कोशिश नवा के आज भवानी मात मना के, लक्ष्य अपनी लक्ष्य पथ पर निकल पड़ा है, लक्ष्य अपनी लक्ष्य पथ पर निकल पड़ा है। मन में तूफानों को भर के मैं नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं आपके अपने चैनल सबकी बात सबके साथ में एक नया ब्लॉग लेके। आज आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर आए हैं जय बाबा भूतनाथ के, और ये जो मंदिर है इंदौर में राजेंद्र नगर से थोड़ी सी दूरी से, यहाँ पर जो गांव है वहाँ पर है। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, पूरा एड्रेस देने वाला हूँ। यहाँ पर विशेष प्रकार के चमत्कार हुए जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर ये माना गया है। बहुत पुराना मंदिर है लेकिन अभी आने वाले समय से काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर हो चुका है। इसकी विशेषता मेनली ये रही है कि बाबा के यहाँ पर चमत्कार काफ़ी देखने को मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ पर बाबा को सिगरेट चढ़ाई जाती है। जी हाँ, यहाँ पर बाबा को सिगरेट चढ़ाई जाती है। उनकी विशेषता हम देखेंगे कि क्या क्या विशेषता और कितने यहाँ पर चमत्कार देखे जा रहे हैं दिन पे दिन। तो आइए जुड़ते हैं सभी भक्तगण के साथ में और बाबा के साथ में और जानते हैं क्या विशेषता रही है इस मंदिर की। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में। माना जाता है कि यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, कोई विशेष पुजारी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी, यही बाबा की सेवा कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो हम इनके परिचय जानेंगे और जानेंगे क्या विशेषता रही है इसके बारे में। तो आपका आप परिचय बताएंगे भैया? यहाँ मतलब कोई परिचय कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बाबा भूतनाथ और बाबा भूतनाथ मंडली है। यहाँ ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है, ना कोई बाबा है। जो कुछ भी हमारा बाबा भूतनाथ है। हम सब लोग जो 8-10 लड़के यहाँ सेवा दे रहे हैं शुरू से, मतलब ये मंदिर तो करीबन 150-200 साल पुराना है। बाबा का जो चमत्कार आज से 150 साल पहले था, जो का तो आज भी है। यहाँ जो भक्त आ रहे हैं एक सिगरेट के माध्यम से उनका पूरा काम हो रहा है। मैं एक नहीं, आप ऐसे संडे के दिन आज, जैसे आज संडे है, नेक्स्ट संडे को आना, आप तकरीबन 2-3 हज़ार लोग रहेंगे, उसमें से आधे ये बोलेंगे हमारा काम चालू हो गया है, मात्र एक सिगरेट लगाने मात्र से। सिगरेट का ही क्यों किया जाता है, प्रसाद दिया जाता है भगवान को? ये बाबा महाकाल काल भैरव का रूप है, तो काल भैरव को सिगरेट और दारू दोनों का भोग लगता है। बाबा को दारू का भी भोग लगता है, सिगरेट का भी लगता है, गांजे का भी भोग लगाते हैं, मतलब सिगरेट में गांजा भर के लगाते हैं बाबा को। और हम पुराने, हमारे मतलब जो पूर्वज है वो भी ऐसा करता आते थे, तो ऐसा हम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा चलती जा रही है। आपको कब ऐसी अनुभूति हुई कि चमत्कार बाबा के चालू हो गए, प्रारंभ हो गए? भैया इनका चमत्कार तो शुरू से है, अनुभव नहीं। ये तो एक छोटा सा क्या है, हम भंडारे के लिए साफ सफाई करवा रहे थे, सब भाई हम सब साथ में थे, और दो यहाँ पे लेडीज आई जिनकी मान मन्नत यहाँ से पूरी हुई थी, वो यहाँ पे आए। उनसे हमने पूछा कि दीदी आप क्यों आए वहाँ पे, तो उन्होंने बोला भैया हमारी मान मन्नत बाबा के मंदिर से पूरी हुई थी, उनके यहाँ बच्चे की प्राप्ति बाबा के यहाँ से हुई थी। तो बस उनका पेज, बाबा का पेज बहुत टाइम पहले से बना हुआ है, हमने पेज पर रील डाली बाबा की, 1.4 मिलियन लोगों ने वो
वीडियो देखा, उसके बाद धीरे धीरे जो लोग आने लगे, कोई बॉम्बे से आ रहा, दिल्ली से आ रहा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अपना हैदराबाद, छत्तीसगढ़ और तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। मतलब US कॉलिंग भी आ रही है इंस्टाग्राम पे, वो पूछ रहे लोग क्या है क्या नहीं है, उनके भी जो चीज़ें लगा रहे हैं उन कामों में इम्प्रूवमेंट, बाबा की फोटो मात्र छवि मात्र से काम हो रहा है। जैसे 7:30 बजे बाबा की आरती होती है, उस आरती में ऐसे लोग भी आए यहाँ पे कि भैया हमने आरती लाइव देखी थी बाबा की और हमने अर्जी लगाई थी, उनकी मनोकामना बाबा की आरती देखने से पूरी हो गई है। जैसे आप ये छत्र देख रहे होंगे, ऐसे 4-5 छत्र इकट्ठे हो गए, जैसे आज कोई छत्र चढ़ा के गया बाबा का, ये मान मन्नत वाले जैसी जो मान कर रहा है वैसे उनके काम हो रहे और वो उनकी अर्जी स्वीकृत कर रहे और काम हो रहे हैं। अर्जी की प्रक्रिया क्या होती है? अर्जी की अगर किसी को अर्जी लगानी है तो कैसे लगा सकते हैं? सिगरेट लेकर आते हैं, बाबा को 3 बार सिगरेट पिलाते हैं। जैसे एक व्यक्ति सिगरेट पीता और बात करता है ना, फलाना ढिमका ये वो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस ऐसी बात करनी बाबा साहब को, आप सिगरेट लगाओ, बाबा को बोलते जाओ बाबा हमारा ये काम है, आपको काम सिद्ध करना, आप हमारा काम पूर्ण करो, हम ये करेंगे, और ऐसे काम पूरे होते जाते हैं। एक ही बार में एक ही अर्जी लगाई जा सकती है? एक बार में एक अर्जी लगती है। दोस्तों, कुछ भक्तगण हमसे जुड़े हैं, इनकी कुछ प्रॉब्लम थी जो बिल्कुल सॉल्व हो गई है, ये 2 बार यहाँ पर सिर्फ आए हैं। हम उनका पहले परिचय जानेंगे, उनसे जानेंगे समस्या क्या थी, आपको परिचय बताएंगे। मेरा नाम राधेश्याम चौहान है, मैं बाबा के यहाँ शुरुआत जब मैं आया था, मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे उठा के लेके आए थे, फिर बाबा की कृपा रही, 1 घंटे के अंदर मैं यहाँ से पैदल चले के गया। इतनी की समस्या क्या थी? मैं चल नहीं पा रहा था, उल्टियाँ हो रही थी, पेट में दर्द था, वो सब बंद हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी समस्या वो लेकर वो यहाँ पर आए थे और एकदम चलकर जा रहे हैं, और अभी देख सकते हैं मेरे सामने बैठे हूँ। अभी जब मैं आया था यहाँ पर वो बिल्कुल बैठ भी नहीं पा रहे थे, वो लेटे हुए थे, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ यहाँ पे आके? बिल्कुल अनुभव हुआ, मेरे को यहाँ से अभी उठा के लेके आए थे, आते ही मैं यहाँ लेटा, क्योंकि ताकत नहीं थी मेरे में चलने की, मैं यहाँ लेटा और मुश्किल से मुश्किल 1 सिगरेट जलाते हैं, इतना टाइम में मैं ठीक हो गया 10 मिनट। अब बेसिकली कहाँ से है? मैं इंदौर से। इंदौर में कहाँ से? मारुति नगर, बाणगा थाने के पास से। इस दर से कोई मायूस नहीं जाएगा, इस दर से मायूस नहीं कोई आएगा। आपका परिचय बताएंगे आप? मेरा नाम वीरेंद्र मारू है और इंदौर से हूँ मैं, और बाबा के प्रांगण से 2016 से जुड़े हुए हैं हम लोग। रवि भाई साहब के माध्यम से बाबा के दर्शन हुए थे, और मेरी जो अर्जी थी यहाँ पर बाबा की कि मेरी वाइफ को 100% कोविड हो गया था, और इंदौर के सारे बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुका था, सभी लोगों ने बोल दिया था कि मतलब उम्मीद नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर लगा हुआ था और 14 दिन वेंटिलेटर लगा हुआ था। तो बाबा के पास मैं आया था तब से ही, और मेरी अर्जी थी बाबा को कि बाबा आप कृपा रखिएगा मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर। तो बाबा का बहुत आशीर्वाद रहा, और इतने सारे लोगों को आते देखते हैं, बाबा की कृपा जिस हिसाब से सब लोगों पे बरस रही है, लोगों को कृपा पात्र हो रहे हैं बाबा के यहाँ पर, निसंतानों को संतान हुई है, जहाँ तक मैंने देखा व्यक्तिगत रूप से जो देखा है, लोगों की जो चोरियाँ हो गई हैं, बड़े बड़े अमाउंटों की चोरी हो गई है, आज आदेश लगा के गए हैं, 2 दिन में उनकी डिजिट मिल, बड़ी बड़ी रकमें मिल गई हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि बाबा के लिए कि मतलब कितने सिद्ध चमत्कार लिए उस समय। अच्छी बात यह है कि अपन कहीं पर भी जाओ तो भैया ये लेके आना, भैया वो लेके आना, ये करना है वो करना है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बड़ी कृपा है बाबा की हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर, और मैं बाबा से इसे विनती करता हूँ जब भी आता हूँ कि बाबा जो भी व्यक्ति आपके नाम से अगर निकल रहा है घर से तो उसका काम आप वहीं सही कर देना। मंदिर प्रांगण का खुलने का टाइम क्या होता है और कोई विशेष पूजा यहाँ पर की जाती है?
सुबह 9 बजे मंदिर खुल जाता है, 9 के पहले मंदिर खुल जाता है, पर साफ सफाई हो रही है जब होता है, उसके बाद 9 बजे दर्शन चालू कर देते हैं। 4 बजे बाबा का श्रृंगार का समय रहता है, 4 से 5 श्रृंगार का समय रहता है जब दर्शन पट बंद हो जाते हैं। 5 बजे से फिर दर्शन चालू होते हैं, शाम को 10 बजे तक दर्शन होते हैं बाबा के। और विशेष दिन बाबा का अमावस्या के दिन विशेष महत्व रहता है बाबा का, कि यहाँ पूजा पाठ श्रृंगार अंगार बाबा का स्पेशल होता है, भस्म से होता है, अलग अलग प्रकार की भस्म होती है, जिसकी जैसी इच्छा पड़ती है वैसा श्रृंगार होता है। जो भगत आ रहा अपनी अर्जी लगा रहा है, उसकी मान मन्नत पूरी, उसने श्रृंगार कराया, बाबा को श्रृंगार लगता है। कोई विशेष पूजा अगर किसी को करवानी तो क्या वो करवा सकता है इस मंदिर में? देखिए बाबा का जो भाव है, मतलब जो जिस भाव से पूजा कर रहा है उसके लिए वही विशेष पूजा है, ऐसी कोई विशेष पूजा नहीं है। यहाँ कोई पैसे का चढ़ावा नहीं है। विशेष पूजा में हम बोल देते 5100 की विशेष पूजा है, कोई विशेष पूजा नहीं। आप अगर 10 रुपये का तेल सिंदूर भी लाएँ तो बाबा के लिए विशेष पूजा है। यहाँ पैसे की कोई प्राइवेसी नहीं है, पैसा कोई मैटर नहीं करता है। मंदिर का नाम भूत बाबा ही क्यों रखा गया है? हमारे पूर्वज बोलता है बाबा भूतनाथ है, हम भी बाबा भूतनाथ बोलता है। मतलब हमारे दादियाँ, मतलब 95 ईयर की दादी है, मतलब गांव में कुछ लोग ऐसे भी है जो यहाँ आने से आज भी डरते हैं कि मंदिर नहीं जाना अपने को। आज भी गांव में ऐसे लोग हैं यहाँ आने से डरते हैं। मेरी दादी ही बताती कि वहाँ नहीं जाना, ऐसे ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। पास में कोल्ड स्टोर है, ये कोल्ड स्टोर की दीवारें कम से कम 10 से 15 बार बनी और गिरी है, ऑटोमेटिक चौकीदार बैठा दिया, दीवार गिर गई, सब करके देख लिया। आखिरी में बाबा का मंदिर का ओटला बनाना पड़ा जब जाके कोल्ड स्टोर खड़ा हुआ। और ऐसा भी है जैसे नई मशीन लेके आए, इंजीनियर तो इंजीनियर ठहरा, नई चीज़ नहीं रहेगी, लेके आए प्लग दबाया मशीन नहीं चली, वो बोल रहा भैया क्या है क्या नहीं है। उनको बताया गया कि यह मंदिर है, आप पूजा कर लो मशीन चालू हो जाएगी, नहीं माना वो। फिर आखिरी में उसको यहाँ आके पूजा पाठ करनी पड़ी जब जाके उसकी मशीन चालू हुई। मतलब ऐसे लाइव चमत्कार है बाबा के जो देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए, खरगोन से आए थे, उनने अर्जी उनके घर से लगाई, जीजाजी साले आए थे, तो जीजाजी का काम बाद में और पहले साले का काम हो गया, 4 साल से परेशान थे वो मंदिर के बाहर खड़े ही रहे और बोल दिया कि भैया आपके पास फोन आ गया, आपका काम हो गया है। ऐसे चमत्कार यहाँ हो रहे हैं। तो यहाँ पर चमत्कार दिन पर दिन हो रहे हैं। मैं आपसे यही करूँगा, विनती करूँगा कि आप भी बिल्कुल आएँ यहाँ पर, बिल्कुल आप पूजा करें, बाबा को सिगरेट की भेंट चढ़ाएं। और आपसे मैं ये कंफर्म करना चाहूँगा, अगर जैसे मान लीजिए कि सभी के डिस्टेंस बहुत काफ़ी ज़्यादा है, जो इंदौर में है, जो आसपास के एरिया में, वो तो बिल्कुल यहाँ पर आ सकता है, लेकिन जो यहाँ पर आ नहीं सकते वो भी अर्जी लगा सकता है किसी प्रकार से? जो यहाँ नहीं आ सकता है पर उसको आना ज़रूर पड़ेगा यहाँ। जैसे क्या है, कोई भी काम में इम्प्रूवमेंट एक बार में पूरा नहीं आता है। काम अगर आपका खुल गया है तो आपको मंदिर आना है। जैसे अर्जी लगाने हो आपको तो 7:30 बजे बाबा की आरती पेज पे लाइव होती है, बाबा भूतनाथ मंदिर के नाम से पेज है, उस पेज पे आपको जाके बाबा की आरती लाइव देखना है। आप आरती लाइव देख के एक तेल या घी का दीपक, अगरबत्ती, फूल माला ले आओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाओ तो अगरबत्ती, तेल का दीपक, और जो आपको अर्जी लगानी है रोज़ शाम को 7:30 बजे बाबा को आपको बोलना है, कहीं ना कहीं आपकी पुकार बाबा सुनेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने यहाँ की। मुझे आपसे ये जानना है कि यहाँ का जो प्रॉपर एड्रेस है, तो दर्शकों के लिए बहुत इजी हो जाए अगर आप बताएंगे तो बहुत सही रहेगा। जैसे अगर आप इंदौर से आ रहे हो तो आप इंदौर राजवाड़ा से, अगर बस से आ रहे हो तो राजवाड़ा से 20 नंबर बस चलती है, आप उसको बोलोगे रंगवासा जाना है, आप रंगवासा में उतर के किसी से पूछोगे बस से आओगे तो बाबा भूतनाथ मंदिर, उमिया धाम मंदिर के पीछे बाबा का मंदिर, बाबा भूतनाथ के पेज पर बाबा के मंदिर की लिंक डली हुई है, आप उसके माध्यम से भी बाबा के मंदिर पर पधार सकते हैं। उमियाधाम मंदिर के पीछे आएगा जिस जो लिंक डली है वो रंगवासा रोड बाबा भूतनाथ के मंदिर पे लेके आएगी। इससे पहले भी आप कहीं गए थे? मैं कम से कम 150 से 200 जगह जा चुका हूँ, मगर मुझे कहीं से आराम नहीं लगा। जब मैं यहाँ से आया था तो कम से कम 250 मीटर दूर से मुझे उठा के लेके आए थे, यहाँ मेरे को बिठाया गया तो मैं बैठ नहीं पाया, मुझे लेटना पड़ा, और उसके सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट के अंदर मुझे बिल्कुल खड़ा कर दिया। तो दोस्तों कुछ भक्तगण हमारे साथ में जुड़े हैं, हम लोग इनकी भी मनोकामना में जानेंगे किस तरह से पूरी हुई है। आपका परिचय बताएंगे? धापू चौहान। आपकी क्या मनोकामना पूरी हुई है? ये बाबा चले गए थे जेल, मतलब लड़ाई झगड़े में। अच्छा, चारों चले गए थे तो, मतलब चारों बाबा बेटे चले गए थे तो मैं मान करके गई, मन्नत मांग के दूसरे दिन घर आ गए। आपको परिचय बताएंगे? मेरा नाम मुन्ना लाल चौहान है और मैं हाथों रहता हूँ एयरपोर्ट रोड पर, और मैं मतलब बहुत जगह मेरी लड़की को लेके गया तो कहीं से फ़र्क नहीं लगा, फिर मैं मतलब 2 से 3 बार यहाँ आया और मेरी लड़की आज बिल्कुल स्वस्थ है, और इसको आज पेयर लगाने के लिए लाया हूँ। कुछ क्या कुछ बीमारी थी?
ये मतलब हवा का चक्कर था इसको, तो यहाँ से लाया तो बहुत आराम मिला मेरे को और अब बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ। जय भूत बाबा, जय बाबा भूतनाथ। अभी जैसे आप देखते हैं कि रामलला के आगमन पे सनातन धर्म काफ़ी अपना इम्प्रूव हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, तो अगर अभी की जो युवा पीढ़ी है उसको अगर आप सनातन धर्म के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहोगे या बाबा के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहोगे तो संदेश क्या रहेगा? मैं तो यही मतलब हमारे लिए चैलेंज नहीं है, उनके लिए चैलेंज है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं भगवान को नहीं मानते हैं, और हमारी पूरी मंडली का कहना एक बार बाबा भूतनाथ के मंदिर आए, वो अगर भगवान को नहीं मानता होगा ना, वो भगवान को मानेगा। जय जय बोले बाबा, जय श्री महाकाल।